काउंट भी रहा, लोगों ने देखा क्या कुछ है। देखिए मुझे लगता है 10 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स आपस में एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होंगे, प्राइवेट स्कूल्स के साथ कम्पीट कर रहे होंगे एक रोबोटिक्स कंपटीशन में। मुझे लगता है कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति का प्रतीक है कि जहाँ पे 10 साल पहले टूटे फूटे स्कूल होते थे, वहाँ पर आज हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स पढ़ने वाले हमारे बच्चे एक रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन में कम्पीट कर रहे हैं। एक दूसरा मुद्दा है बीती रात एक आदेश आया सर्विसेज सेक्रेटरी राजशेखर का, और उसमें था कि जितने भी फेलोज रिसर्च फेलो लगाए गए दिल्ली सरकार के सभी डिपार्टमेंट में इनके आदेश के बिना उन्हें हटाया जाए, वित्त विभाग को भी कहा गया है कि वो सैलरी रिलीज ना करें। देखिए ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नुमाइंदे विनय सक्सेना जी, दिल्ली के LG साहब, अरविंद केजरीवाल की सरकार को हर तरह से बाधित करना चाहते हैं, दिल्ली वालों के काम रोकना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में तरह तरह के लोग, जो कोई IIT से पढ़ा है, कोई IIM से पढ़ा है, कोई नेशनल लॉ स्कूल से पढ़ा है, दिल्ली सरकार में काम कर रहे हैं और नई नई तरह की पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं। शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, कैसे एक अच्छा हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, कैसे हम बच्चों को रोबोटिक्स पढ़ा सकते हैं, कैसे हम डोरस्टेप डिलीवरी और सर्विसेज कर रहे हैं। और आज उसी इनोवेशन को ख़त्म करने के लिए कि दिल्ली वालों को बेस्ट ऑफ बेस्ट सुविधा मिल सके, LG साहब कह रहे हैं कि नहीं हम पढ़े लिखे लोग नहीं चाहते, हम सिर्फ ढर्रे वाली सरकार चाहते हैं जहाँ पे कोई काम नहीं होता, कोई डिलीवरी नहीं होती। और इसी फैसले को चैलेंज करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वालों के हित में सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।